सो हेलो फ्रेंड्स, यार कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कुछ वीडियो बना रखे हैं जो कि जियो सिम को लेकर है, जिसमें कि मैंने बताया है कि आप उसके इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सारे सिम्स के इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाते हैं, तो चलिए आपको सिंपली सा सेटिंग में जाना है, ठीक है। और उसमें जाने के बाद आपको सिम कार्ड एंड सेलुलर में जाना है। देखिए यहाँ पर सिम कार्ड एंड सेलुलर सभी के फ़ोन में उपलब्ध है। उसके बाद आपको जो भी सिम को का इंटरनेट स्पीड बढ़ाना है उसमें क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर, मेरा दो सिम है तो मैं यहाँ पर जियो पर मैंने टच कर दिया। और यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम की ऑप्शन आपको दिख जाएगा नीचे, तो उसमें क्लिक करना है और यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार का आपको फॉर्म है जो कि फिलअप करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो अभी तक अगर मेरे चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पर नेम में आपको यहाँ पर लिखना है टी, जो कि बड़ा होगा टॉगल, ठीक है, टॉगल। बी कैपिटल होगा 9 और पी कैपिटल होगा प्रो, टॉगल B9 प्रो। और उसके बाद सेव कर देना है APN और उसके बाद आता है APN का आपको नो यहाँ पर लिखना है 4 और G कैपिटल होगा, ठीक है, और 4G प्लस और सेव कर देना। और प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है पोर्ट को नॉट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है आपका यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में आपको टाइप करना है 4G और उसके बाद आई, जी बड़ा कैपिटल होगा और आई जो है वो भी कैपिटल होगा, 4G इंटरनेट। ये आपको यहाँ पर क्लिप लिख कर सेव कर देना है। सो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को दिया जाता है पासकोड, तो पासकोड को नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है सर्वर में आपको लिखना है www.g बड़ा कैपिटल होना चाहिए और www.com, और जो कि ये सभी सिमों में काम करेगा ये APN, ठीक है। तो उसके बाद आता है MMSC, इसे नॉट सेट रहने दें। उसके बाद आता है MMS पोर्ट, इसको नॉट सेट रहने देना है। MCC और MNC को टच ना करें क्योंकि ये आपका एरिया कोड है, इससे आपका नेट जो है और भी स्लो हो जाएगा। सो दोस्तों, अब आता है आपका पारी, अब आएगा ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आपको पैप कर देना है, ठीक है, पैप में क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है APN टाइप, इसको नॉट सेट रहने देना है। APN प्रोटोकॉल जो है आपका IPv4 हो सकता है या फिर IPv6 होता है, तो आपको नीचे वाले में क्लिक कर देना है IPv4 और IPv6 दोनों में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, ये आपका IPv4 IPv6 हो सकता है, आपको दोनों में ही इसे क्लिक कर देना है, सबसे नीचे वाले में IPv4 और IPv6 में। उसके बाद आता है बैरियर में आपको अनस्पेसिफाइड को अन क्लिक करके LTE, HSPAP, SUPA, HSDPA, UMTS, इस सब को क्लिक कर देना है। अगर इतने सारे सेलेक्ट करने पर ओके का ऑप्शन नहीं आता है तो सिर्फ आपको LTE पर क्लिक करके सेव कर देना है, क्योंकि LTE तो सारे फोन्स में उपलब्ध होता है। MVNO टाइप, इसको नन रहने दे। उसके बाद ऊपर में जाके सेव कर दे, ठीक है। अब आपका जो इंटरनेट है वह बेहतर हो जाएगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।